अमेजन ने फिर से अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको पता ही होगा एनसीएलटी का डिसीजन आया था, उसको चैलेंज करने की तैयारी चल रही है अमेजन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को लेके जाएंगे। यहां पर पिछले हफ्ते एनसीएलटी ने यहां पर डिसीजन दिया है कि आप जो सीसीआई का डिसीजन है वो वैलिड है और बहुत जल्दी अपना 200 रुपए का जो पेनल्टी है, 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी है, वो आप जल्दी से पे कीजिए 20 दिनों के अंदर। अमेजन हैज हाइड फ्यू फैक्ट्स, और यहां पर इन्होंने कहा है कि अमेजन हैज फेल्ड टू मेक फेयर फ्रैंक एंड फोर्थराइट डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू 2019 डील विद फ्यूचर ग्रुप, और इसके चलते हुए पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और साथ साथ में उनको जो स्ट्रेटजिक राइट है ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर रिटेल वो भी रिलीज करना पड़ेगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, अमेजन विल गो टू सुप्रीम कोर्ट एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक एज पर द पर्सन क्लोज टू द मैटर, एंड दिस हैज ट्रिगर अ सेल ऑफ। 15 मिनट के अंदर सारे के सारे शेयर बिकने शुरू हुए जो अपर सर्किट में चल रहे थे, और ह्यूज वॉल्यूम के साथ सारे के सारे लोअर सर्किट में चले गए। पेनल्टी 20 दिनों के अंदर पे करनी है, इसलिए अमेजन को जल्दी है क्योंकि वो यहां पर डिले नहीं करना चाहते हैं और पेनल्टी को भी नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने कहा है नो रेस्ट्रिक्शन फॉर सेलिंग, जो यहां पर अभी भी इनकी वैलिड चीज मानी जाएगी। एनसीएलटी का ऑर्डर ये अमेजन के लिए एक चैलेंज बन सकता है। अगर एनसीएलटी का ऑर्डर विदहोल्ड रहा एज इज, तो सुप्रीम कोर्ट के चलते हुए फिर अमेजन का कोई राइट नहीं बचेगा। जो 49% फ्यूचर कूपन के थ्रू इन्होंने 5% की फ्यूचर रिटेल स्टेक बनाई है, तो वो क्लियर हो जाएगी। और फिर चाहे फ्यूचर ग्रुप किसी को भी अपनी कोई भी कंपनी बेचे, और लीगल डिस्प्यूट की वजह से अभी यहाँ पर कोई बायर भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए फ्यूचर रिटेल आज काफ़ी तकड़े वॉल्यूम के साथ गिरा है, एक बड़ी रेड कैंडल बनी है और 8 रुपये 80 पैसे पर जाकर बंद हुआ है, जिसमें अगर वॉल्यूम का देखें तो पिछले 10 दिनों में काफी तकड़े वॉल्यूम है। 7 तारीख को 6 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए थे, अपर सर्किट में था। उसके बाद 8 तारीख को 5 करोड़ शेयर एक्सचेंज हुए, वो भी अपर सर्किट में बना। फिर 0.8 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए 9 तारीख को, और ये भी अपर सर्किट मेंटेन रहा। इसके बाद में 3.5 करोड़ शेयर एक्सचेंज हुए 13 तारीख को, और अपर सर्किट मेंटेन रखा। बट आज 1.3 करोड़ शेयर बेचने पर यहां पर 16 तारीख को ये लोअर सर्किट में लगाए, ड्यू टू द पीपल नॉट विलिंग टू बाय एनी मोर शेयर करंटली। जो है टोटल वैल्यू देखिए 120 करोड़ के आसपास ट्रेड हो चुके हैं, मार्केट कैप करीब एक 350 करोड़ की है, तो यहाँ पर जो 30% से भी ज़्यादा इसकी मार्केट कैप खरीदी जा चुकी है मार्केट से। एफएल का इम्पैक्ट अगर हम फ्यूचर लाइफ सेल को देखें तो 5% का अपर सर्किट था, बट ये भी आज लोअर सर्किट में चला गया, 23 रुपये 75 पैसे पर जाकर बंद हुआ है। यहाँ पर शुरू में काफ़ी तकड़े वॉल्यूम थे और आज भी इसने वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, करीब 1.3 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं। यहाँ पर ऑपरेटर आर वेरी एक्टिव इन दिस स्टॉक अंटिल ऑफिशियली इट इज क्लियर्ड नो वन मे कम फॉरवर्ड टू बाय एटलीस्ट फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर लाइफ फैशन अभी भी खरीद सकते हैं, बट फ्यूचर रिटेल को इतने ज़्यादा कोई खरीदेगा नहीं। फ्यूचर लाइफ फैशन की 20% की होल्डिंग है, सुनने में आ रहा है कि ये राकेश झुंझुनवाला जी को बेचने की बात चल रही है किशोर बियानी जी के द्वारा। बट जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए थोड़ा सावधान रहिएगा, ऑपरेटर यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आपका पैसा इसमें फंस सकता है। आज का बिग सेल ऑफ क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी इसको पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहा है। जब तक अमेजन पूरी तरह से ये शेयर स्टेक्स बेच नहीं सकता, तब तक यहाँ पर अपर सर्किट की गुंजाइश नहीं है। और रिलायंस भी चाहता है एफएमएनएल और फ्यूचर सप्लाई चेन के लेने के लिए, और इनके साथ में अगर हम आज का एक्शन को देखें तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल करीब 10:30 पर 15 मिनट के कैंडल पर एक ही झटके में सारा अपर सर्किट से लोअर सर्किट आ गया। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड सेम 10:30 के बाद जब ये न्यूज ऑफिशियली ब्रेक हुई, फ्यूचर कंज्यूमर सुबह से ही लोअर सर्किट में था। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन भी 10:30 के आसपास लोअर सर्किट लग गया, 26 रुपए से गिरकर ये 23 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर सप्लाई चेन यहां पर अभी के हिसाब से 42 रुपए का लोअर सर्किट, और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क 5 रुपए 85 पैसे का अभी ये लोअर सर्किट लगा है। तो इन सब के चलते हुए अगर हम देखें कि कहां पर फिबोनाची आज ट्रिम सबसे पहले बन रहा है, 21 रुपए 15 पैसे का एक सपोर्ट हो सकता है यहां पर टेक्निकल बेसिस पर, अगर ये सपोर्ट रुकेगा तो यहां तक अभी के हिसाब से 57% हायर है, और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में डील हो सकती है क्योंकि इस पे अमेजन का कोई अधिकार नहीं है। हमारी क्या पोजीशन है और हमारे निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन में क्या ट्रेड है, उसके लिए आप 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत।